साथियों, आप सबका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं, आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठकर के काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।